आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान गांव बाबूपुर के सरपंच को जान से मारने की नियत से गोलियां मारने की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को उसके एक साथी सहित अपराध शाखा पालम विहार गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू। देखते हैं इस रिपोर्ट को। करेंगे इसका भी लॉन्च नहीं है। ध्यान नहीं दिया कैमरा जबकि देख रहा सामने यार बीच में कर दो यार अब हाँ ये दोनों इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तीन पे जसवीर पे 3 केस पहले के हैं और जो शक्ति है इस पे 5 केस पहले के हैं। ये कई केसों में इस तरह से शामिल रहे हैं। किस तरह के केसेस हैं सर इनके ऊपर? इनके ऊपर हत्या लूट डकैती हत्या का प्रयास मारपीट अवैध हथियार रखना इस तरह के केसेस। सर उनमें ये जमानत पे है या फिर फरार चल रहे थे? हाँ उसमें मोस्टली में जमानत पे हैं लेकिन कुछ एक में अभी वांटेड भी। और कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर इस पूरे वारदात में? इसमें अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसमें 3-4 लोगों की और इन्वॉल्वमेंट आई है और हम उनके पीछे लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है जल्द ही हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जसवीर को किया ना मैंने बताया, जसवीर शक्ति एंड सोनू, जसवीर और शक्ति को हमने गिरफ्तार किया। शक्ति का ही दूसरा नाम सोनू। कहाँ से अरेस्ट हुए सर? ये हमने गुड़गांव से ही अरेस्ट किया। ये दो 26/2/2022 बाबूपुर में बाबूपुर के सरपंच योगेश यादव पे फायरिंग की गई थी जिसमें कई फायर किए गए थे, 2 गोलियां उनको लगी थी और जिसमें घायल हो गए और वो हॉस्पिटलाइज हुए, जिसके संबंध में हमने शिकायत मिलने पर FIR 307 के तहत हमने दर्ज की और उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार के इंस्पेक्टर जोगेंद्र के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसके जो मेन सरगना थे उसमें जसबीर जो उसी गांव का बाबूपुर का रहने वाला है और जिसकी इस सारे मामले में अहम भूमिका रही है और जिसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, और एक शक्ति और सोनू है जो ये बापड़ौदा का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनको हमने इनसे एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इन्होंने पूछताछ पे बताया कि जो सरपंच योगेश हैं इनका भतीजा अजय है उसने इसको 10 लाख रुपए पहले उधारे दिए थे और अब ये उससे पैसे वापस मांग रहा था, जबकि ये ज़बरदस्ती उसमें उसकी जो काम था पानी का और कंस्ट्रक्शन का उसमें ज़बरदस्ती उसमें हिस्सेदारी चाह रहे थे 50% की और वो हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं था, इसलिए इन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। हमने इन दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है और अब हम जो बाकी बचे लोग हैं इसमें उनके भी पीछे लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर वेपन कोई बरामद हुए सर इनसे? अभी वेपन की गिरफ्तारी के बाद जो बाकी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे उसके बाद वेपन की रिकवरी भी संभव हो। सर भतीजा अगर पैसे मांग रहा था तो चाचा से उसका बदला लिया? भतीजा क्योंकि इनका कहना ये है कि भाई वो पंचायत की गई थी इस संबंध में और उस पंचायत में योगेश सरपंच जो हैं उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा कुछ